बड़ी खबर बता दें आपको, 69,000 शिक्षक भर्ती पर आज की बड़ी खबर है, जहां 31,277 चयनित शिक्षकों की काउंसलिंग शुरू होगी। तो स्कूल आवंटन के लिए काउंसलिंग को शुरू किया जाएगा और इस महीने चयनित शिक्षकों को स्कूल भी मिल जाएंगे। तो सबसे पहले 322 दिव्यांग महिला और इसके साथ ही 605 पुरुषों को ये स्कूल आवंटित होंगे। जिलों में शिक्षक और स्कूलों को बेसिक शिक्षा अधिकारी शिक्षकों की सोमवार से ऑनलाइन विद्यालय आवंटन के लिए काउंसलिंग कराएंगे। तो उत्तर के सभी जिलों में नियुक्ति होगी, नवनियुक्ति होगी 31,277 शिक्षकों को और इसी महीने स्कूल भी मिल जाएंगे। और चंद्रमणि शुक्ला हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। चंद्रमणि, बहुत देखा जाए तो इस पूरे मामले को लेकर किस तरह से रस्साकसी चली, अंत में यहाँ पर अब काउंसलिंग की जो प्रक्रिया पहले बहुत वक्त पहले शुरू हुई थी लेकिन उस पर रोक लग गई थी, लेकिन अब एक बार फिर से काउंसलिंग की जो प्रक्रिया है वो यहाँ पर शुरू होती हुई। ये देखिए, जिस तरह से पहले जो है नियुक्ति पत्र के लिए काउंसलिंग हुई थी और अब जो है उनको विद्यालय आवंटन के लिए काउंसलिंग की जाएगी और ये 26 से 28 के बीच होगी, जो जिला स्तर पर होगी। जिला स्तर पर बीएसए की अध्यक्षता में इस तरह की काउंसलिंग की जाएगी कि उन्हें विद्यालय कहाँ आवंटित करना है और इसके साथ ही में जो 31 से 3 तारीख के बीच में इनको विद्यालय में कार्यभार संभालना होगा। उसी के साथ ही में अगर बात करें, जिस तरह से भर्ती को लेकर तमाम विवाद है और भर्ती को लेकर ये भी विवाद चल रहा है कि कुछ अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र मिल गए हैं पर वो नियुक्ति के काबिल नहीं थे या उनकी योग्यता नहीं पूरी होनी जो हो रही थी और उसके बाद भी नियुक्ति पत्र मिल गए, तो तमाम विवाद भी चल रहे हैं भर्ती में। अब ये देखना होगा कि जब विद्यालय आवंटन के लिए काउंसलिंग होगी तो वो किस प्रक्रिया का सहारा लिया जाएगा, क्या जो जिन्हें नियुक्ति पत्र दिया है उन्हें क्या विद्यालय भी आवंटित हो जाएंगे, तो ये तमाम सवाल है अभी। और अब देखना होगा कि किस तरह से जो जिला स्तर पर काउंसलिंग होती है और उसके बाद में क्या निर्णय लिया जाता है। चंद्रमणि, ये बताइए, चूंकि कहा जा रहा है कि इसी महीने जो स्कूल है वो भी आवंटित कर दिए जाएंगे इन्हें, तो किस तरह से वो प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, पहले कितने लोगों को इसमें स्कूल आवंटित किए जाएंगे? देखिए, पहले आज से काउंसलिंग की शुरुआत हो रही है, 26 से 28 तक काउंसलिंग चलेगी, फिर उसके बाद जो दस्तावेज है उनका अध्ययन किया जाएगा और उसके बाद में 31 तारीख यानी कि 31 अक्टूबर से 3 नवंबर तक सभी अध्यापकों को जिनका चयन होगा वो अपने विद्यालय में कार्यभार संभालेंगे। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि 31 से 3 तक जो विद्यालय जो अभ्यर्थी पिछले 2 साल से इंतजार कर रहे थे कि विद्यालय पहुंचने को लेकर, तो अब उनके इंतजार का समय पूरा हो रहा है और 3 तारीख तक जिनका चयन हुआ है वो अध्यापक बनकर विद्यालय में पहुंच जाएंगे। चलिए, धन्यवाद आपका चंद्रमणि हमारे साथ जुड़ने के लिए।